भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने मंगलवार दोपहर पुणे के एक मेडिकल कॉलेज के डीन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुणे म्युनिसिपल मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के डीन कार्यालय में रिश्वत लेने के बाद डीन डॉक्टर आशीष बांगनवार को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायतकर्ता के बेटे को नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एमबीबीएस में प्रवेश के लिए राज्य सरकार के पहले कैंप राउंड में पुणे नगर चिकित्सा शिक्षा ट्रस्ट के तहत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कोटा से चुना गया था। शिकायतकर्ता प्रवेश प्रक्रिया में जब उनकी मुलाकात कॉलेज के डीन डॉक्टर आशीष मांगनवार से हुई तो उन्होंने प्रवेश के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत प्रवेश शुल्क 22.5 लाख के अलावा 16 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता की शिकायत का सत्यापन करने के बाद उन्हें अपने कार्यालय में रिश्वत की मांग के 10 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मामले में समर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की कार्यवाही चल रही है। पुणे के पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे, रिश्वत निरोधक विभाग की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती शीतल जानवे के मार्गदर्शन में उपाध्यक्ष सुदाम पचोरकर, पुलिस कांस्टेबल मुकुंद अयाचित, कांस्टेबल भूषण ठाकुर की टीम ने जाल बिछाया। ऐसे में उपाधीक्षक नितिन जाधव ने नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी सरकारी काम के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित शुल्क के अतिरिक्त रिश्वत की मांग कर रहा है तो वे तुरंत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्विस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।